Hey guys, welcome back to the Stocks in the channel. So in today's video, we are going to talk about how to cope up with volatility. Volatility होता क्या है? किस तरीके से cope up किया जाता है? इसका solution क्या है? और इसका causes क्या है? पहला चीज़ हमें समझते हैं कि volatility मतलब होता है क्या? In general होता है fluctuation speed. मगर in a technical term, according to my experience, जब भी ये चीज़ ज़्यादा high होता है, तो chances very very high कि हम नीचे की तरफ ज़्यादा देख सकते हैं market को या फिर कुछ stocks नीचे की तरफ मतलब downfall. दूसरा चीज़ occurrence कब होता है? कब कब ये चीज़ scenario हम लोग देख सकते हैं? अगर कभी भी जब बड़ा event दिखता है हमें, या फिर कोई भी earning release होने वाला है, या फिर कोई globally कोई event आने वाला है, जैसे example के तौर पर अगर budget day के दिन ले लोगे आप, तो उस समय बहुत ज्यादा volatility high था. अगर अभी earning season बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इस पीरियड ऑफ टाइम में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होता है कि कब गैप अप हो जाए, कब गैप डाउन हो जाए, कभी नीचे से ऊपर स्पाइक दे दे, वो रियलाइज नहीं होता है. ये सब इवेंट्स होते हैं और भी छोटे मोटे जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं, जो टेक्निकली कभी कभी हो गया तो हो गया, वो बहुत रेयरली होता है, वो भी आप एक्सपीरियंस के थ्रू सीख जाओगे. तीसरा पॉइंट, इसका कॉज क्या, अगर ये चीज होता है तो क्या क्या कारण होता है जो हमें फेस करना पड़ता है. पहला चीज कि आप ब्रेकडाउन देखोगे ना, कि बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन्स मिलेंगे, या फिर फेक ब्रेकआउट या शेकआउट बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको. दूसरा चीज, आपका स्टॉप लॉसेस जो होता है वो फ्रिक्वेंटली हिट होगा. तीसरा चीज, बहुत सारे एक्सटेंडेड स्टॉक जो बहुत ज्यादा भाग चुके हैं वो स्टार्ट कर देते हैं रीटेस्ट करना, मतलब अगर कोई स्टॉक हायर रेंज पे चल रहा है तो वो हायर लोस बनाना स्टार्ट करते हैं. ये होता है कॉज. अब इस पे आता है कि सॉल्यूशन क्या है, इसको किस तरीके से हम ठीक करेंगे. पहला चीज, अगर ये चीज हो रहा है जहां पर वर्डिंग बहुत ज्यादा है, तो अपना पोजिशन साइज कम कर लो. इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्रेड मत करो. एज अ बिगनर, एज अ इंटरमीडिएट लेवल पे अगर आप लोग हो, तो ये चीज हमेशा याद रखना, ट्रेडिंग कभी बंद नहीं करना चाहिए. ये बिजनेस है. अब धंधा ऐसा नहीं कि आपका धंधा नहीं चल रहा है तो आप धंधा बंद कर दोगे, क्योंकि आप इनिशियल लेवल पे हो, राइट? आपको खोलना पड़ेगा, आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा इस इन्वायरमेंट का, तब आप इससे बहुत कुछ सीखोगे. नंबर टू, अगर जब भी आपका कोई भी स्टॉक्स लेते हो तो ऑटोमेटिकली आपका स्टॉप लॉसेस बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली हिट होगा. अगर ज्यादा फ्रिक्वेंटली हिट होगा, स्मॉल ब्रेक ले लो, स्क्रीन टाइम थोड़ा रिड्यूस कर दो. तीसरा चीज, ऐसा स्टॉक ढूंढो या फिर ऐसा इक्विटी ढूंढो या फिर ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट ढूंढो जो बैक्ड अप बाय वीकली डिमांड हो, या फिर कोई स्ट्रॉन्ग डेली डिमांड है जो उसे होल्ड कर रहा है. क्योंकि होता क्या है, अगर इवेंट ज्यादा होता है तो उसमें क्या हो जाता है कि आपको फेक ब्रेकआउट से शेकआउट बहुत ज्यादा दिखेंगे. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया कि आप नीचे की तरफ जा रहे हैं और ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ चला जाएगा. अगर आपको स्ट्रॉन्ग डिमांड होगा, वीकली डिमांड या डेली डिमांड, उससे क्या होगा, वो जल्दी टूटेगा ही. टूटेगा नहीं तो आपको उतना शिवरेंस नहीं मिलेगा, तो शिवर नहीं करेगा आपका स्टॉक, राइट? तो ऑटोमेटिकली वो फॉलो करेगा जो पाथ ऑलरेडी पहले चलते आया था, दैट इज जो ट्रेंड चलते आया था. ये सब चीजें होता है जो आप लोगों को करना चाहिए. थैंक यू गाइस.